अगर आप बड़े अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दवाई के नाम पर ठगी का अगर आपने विरोध किया तो अस्पताल स्टाफ के बाउंसर आपसे बदसलूकी कर सकते हैं। जी हाँ, मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में अस्पताल के स्टोर से महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर करना और विरोध करने पर बाउंसर द्वारा बदसलूकी करने का एक मामला सामने आया। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक जांच भी सेटअप कर दी थी और खुद सरधना विधायक अतुल प्रधान ने भी इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन और सरधना विधायक के बीच तनातनी शुरू हो गई, लेकिन अब प्रशासनिक जांच में अस्पताल प्रशासन की करगुंजारियों का पर्दाफाश हो गया है और अस्पताल में मरीजों के साथ खराब व्यवहार और महंगी दवाइयां खरीदने पर मजबूर करने का मामला उजागर हो चुका है। नहीं देखिए, इसमें एक हॉस्पिटल में माननीय विधायक जी द्वारा जाके कोई परिजन का जिनका इलाज चल रहा था उनके परिवार के लिए वहाँ जाके हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कास्टिंग हुई, बहस हुई, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने अपनी तहरीर दी कि उनके द्वारा अनावश्यक दबाव बनाया गया पैसे कम करवाने का और जो भी चीज़ें जो भी उन्होंने आरोप लगाए, तो उसके लिए अलग से पुलिस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पर हमारे स्तर पर हम लोगों ने एक प्रशासनिक कमेटी बना के एक नॉर्मल प्रकरण जो परिजनों का आरोप था उस पर जाँच के निर्देश दिए थे। न्यूटिमा हॉस्पिटल की जांच हुई थी जो कि जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी बनाई थी एडीएम फाइनेंस के नीचे, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर अस्पतालों के अंदर न्यूटिमा हॉस्पिटल के अंदर दो मुख्य विषय उठाए गए थे। हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षा कर्मियों से संबंधित एक विषय था तथा दूसरा विषय जो था वो था अस्पताल से दवाइयां लेने के संबंध में। जहां तक सुरक्षा कर्मियों से संबंधित सवाल है, उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा, जांच रिपोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि जांच जो सुरक्षा कर्मी हैं उनका बर्ताव पेशेंट के लिए अच्छा नहीं था। देखिए, न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे पार्किंग को लेकर कुछ विचलन की स्थिति है, स्वीकृत नक्शे से विपरीत, और इसकी जांच कराने पर पता चला कि नर्सिंग होम का नक्शा पास कराया गया है। विचलन के संबंध में अभी गत दिनों में प्रवर्तन अनुभाग की तरफ से एक नोटिस निर्गत की गई है जिसमें उन्हें 3 हफ्ते का समय दिया गया है कि आप जो अपना स्वीकृत मानचित्र था उसके अनुसार अस्पताल का संचालन करें या फिर हमारे पास समन मानचित्र प्रस्तुत करें। अगर तय समय सीमा के अंतर्गत ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हमारे प्रवर्तन अनुभाग की तरफ से नगर नियोजन के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ के नामी ग्रामीण न्यूट्रिमा अस्पताल का काला सच प्रशासनिक रिपोर्ट आने के बाद जग जाहिर हो गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बीजेश पाठक ने एक शिकायत मिलने के बाद जाँच कराई थी। प्रशासनिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, मरीजों और तीमारदारों को स्टोर से दवाई लेने के लिए मजबूर किया जाता था और जो लोग इसका विरोध करते थे उनके साथ बाउंसर बदसलूकी करते थे। सपा और आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। अब देखना यह है कि प्रशासनिक जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई कब तक होगी। नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट, मेरठ।